हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ योर ट्रेनर एंड गाइड ऐश्वर्या सेठ वेलकमिंग यू ऑल टू इंडियाज फर्स्ट सोशल एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशनल हब ऑफ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स UGC ऑनलाइन मंथरा, वेयर आर मिशन इज टू इम्पार्ट 100% फ्री कंप्लीट क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डिंग वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक UGC नेट, CTET, NVS, KVS, NTT, ETT, BEd, MEd, etc. ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स हु कुडंट बी एबल टू अवेल दीज एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव कोर्सेज ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स. सो एस्पिरेंट्स, यू डोंट नीड टू परचेज एनी स्टडी नोट्स और स्टडी कंटेंट. यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज. ऑल यू नीड इज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच ईच एंड एवरी अपलोडेड वीडियो, बिकॉज हेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट कोचिंग क्रोनोलॉजिकली एज पर द गिवन सिलेबसेज ऑफ द कोर्सेज. सो इन UGC प्रिपरेशनल सीरीज पेपर वन, द नाइन्थ यूनिट ऑफ UGC पेपर वन, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इज गोइंग ऑन दिस चैनल क्रोनोलॉजिकली एज पर द करंट अपडेटेड सिलेबस, इन विच टूडे आई विल कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज पार्ट सेकेंड, राइट. सो जो पार्ट वन है इसका, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट वन, वो मैंने कल आपको कराया है, जिसमें ये जो आठ तरह के डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने पहले तीन करवाए हैं और जो पांच रह गए हैं वो आज मैं कैप्चर करूंगी. कल मैंने कराया था रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से कि जो एनर्जी आप देख रहे हैं. सोलर एनर्जी कराई है कल मैंने, कल की वीडियो में पार्ट वन में, विंड एनर्जी डिटेल में कराई है और हाइड्रो एनर्जी डिटेल में कराई है. सो तीन तरह की एनर्जीज मैंने कल करा दी थी और आज की वीडियो में पार्ट टू में सॉयल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो मैं डिटेल में कराऊंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का, ध्यान से सुनिए. जिन्होंने कल पार्ट वन इस वीडियो इस टॉपिक का जो पार्ट वन नहीं देखा है, पहले वो चैनल पे जाइए, पार्ट वन देखिए इसका, और जो उसके बाद जो है, बिकॉज ये सीरियल वाइज जो है, सीरीज वाइज चल रहा है, तो जो पार्ट वन है वो देख करके फिर इस पार्ट टू को जो है मेरे साथ देखेंगे, ठीक है जी. तो चलिए, तीन हमने पहले कल कर लिए थे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी. तो फोर्थ पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे आज हम. फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ जो है रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, फॉरेस्ट रिजर्व्स, ठीक है जी. फॉरेस्ट रिजर्व क्या हैं, आपको भी पता है, हम सबके लिए जो है, चाहे खाना है, पीना है, ठीक है जी, किसी भी तरह की कोई भी जो हमारा लाइफ साइकिल है, ठीक है जी, ट्रीज़ है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. सो फॉरेस्ट इज़ अ कम्प्लेक्स इकोसिस्टम विच इज़ predominantly composed of trees, shrubs and is usually a closed canopy. Forests are storehouses of a large variety of life forms such as plants, mammals, birds, insects and reptiles. Also the forests have abundant microorganisms and fungi which do the important work of decomposing dead organic matter, thereby enriching the soil. तो मतलब जो soil है, जो life cycle है, जो plants हैं, mammals हैं, insects हैं, birds हैं, reptiles हैं, हर तरह का जो जीव जंतु है वो forest में मिलता है, और forest जो है वो total जो है वो कम्प्लेक्स इकोसिस्टम का अपने आप में प्रमाण है, और हमारी सबकी जो लाइफ है, सर्वाइवल है, ऑक्सीजन है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट अपॉन दी फॉरेस्ट रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री, और दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. दिस इज गिवन बाय द मदर नेचर, फॉरेस्ट जो हैं, एंड दीज फॉरेस्ट रिजर्व आर दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दी अर्थ. सो यहाँ पे क्या है, अब इनके क्या क्या यूजेस हैं सबको पता है, एक जनरल व्यू हम ले लेते हैं. फॉरेस्ट किस किस काम में आता है, इट स्टॉप्स द रेन बेयरिंग विंड्स एंड कॉज द रेनफॉल. सबसे पहले रेनफॉल करता है बहुत ज़्यादा. दे इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड देयर बाय प्रोवाइड एडिशनल प्रेसिपिटेशन इन द लोकेलिटी. दे मिनिमाइज द एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मेक द क्लाइमेट मोर इक्वेबल. दे कंट्रोल फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन बाय अब्जॉर्बिंग एक्सेस रेन वाटर. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय चेकिंग द फोर्स ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर. द थिक रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. दस फॉरेस्ट हेल्प इन द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ये कुछ यूज़, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, सबको पता होती है यूजेस क्या क्या है फॉरेस्ट के, ठीक है जी. आगे देखते हैं क्या यूजेस को हम ही कंटिन्यू कर रहे हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. दे इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ द प्लेस. दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. दे फैसिलिटेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग O2, दैट इज ऑक्सीजन, टू ह्यूमन बींग्स एंड अब्जॉर्बिंग CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बाय ह्यूमन बींग्स. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटीज एज वुड कटर्स, कैरियर्स, एक्सेट्रा. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस हर्बल मेडिसिन. तो ये सारे के सारे हमने टोटल 12 जो है इसके यूजेस, ओवरऑल फॉरेस्ट रिजर्व के जो यूजेस हैं हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में,
चाहे वो शॉर्ट टर्म यूजेस हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यूजेस हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए, आपको पहले ही क्लियर होगा बिकॉज ये जनरल चीज़ें हैं, ठीक है जी। अब क्या है, हमने फॉरेस्ट रिजर्व्स को कंजर्व कैसे रखना है, कि हम कैसे इसको सेव करें, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है टर्मिनोलॉजीज कैसे हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है जी। हमें बस ये नहीं सोचना कि डिफॉरेस्टेशन करी जानी है, ट्रीज काटते चले जाना है, काटते चले जाना, नो। हमें अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो कटिंग भी करनी है ट्रीज़ की, तो बहुत मिनिमम लेवल पे करनी है, ताकि जो है हमारे फॉरेस्ट रिजर्व जो हैं वो बच सकें। कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट फायर्स, रीफॉरेस्टेशन करिए, अफॉरेस्टेशन करिए, चेक ऑन फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हैबिटेशन एंड सेटलमेंट डेवलपमेंट, ग्रीन बेल्ट अराउंड सिटीज, चेक ऑन माइनिंग एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरियाज, प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ द ट्रीज। एंड मोर ओवर कंजर्वेशन में क्या आ जाता है, एग्रोफॉरेस्ट्री कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, डेवलपमेंट ऑफ बोटैनिकल गार्डन, डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये सारे मेजर्स हैं टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट रिजर्व्स, राइट। पहले हमने क्या किया, मीनिंग किया, फिर उसके यूजेस किए फॉरेस्ट रिजर्व्स के, फिर अभी हमने मेजर्स किए कि किस तरह से हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स को। फिर क्या है, अब स्टैटिस्टिकल फिगर्स में आते हैं कि द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज स्प्रेड ओवर 8,288 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 24.39% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। द असेसमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI एंड रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC। इट इज हाईलाइटेड दैट द कंट्री इज रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड विद 24.4% ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इवन दो इट अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस एरिया। फॉरेस्ट रिजर्व में हमारे जो इंडिया का जो स्थान है, ये पोजिशन है, पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर पे है फॉरेस्ट रिजर्व के मामले में, फॉरेस्ट एनर्जी के मामले में जो इंडिया है वो 10th नंबर पे जो है थ्रू आउट वर्ल्ड में 10th नंबर पे पोजीशन में है। ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपको याद करने, कितना एरिया फॉरेस्ट में हमारा कवर होता है, तकरीबन जो है 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया जो है फॉरेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में है 30%। सो ये सारे स्टैटिस्टिकल फिगर थे। और नेक्स्ट जो है, अब फॉरेस्ट हमने कर लिया, अब नेक्स्ट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट 5th नंबर पे क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, अर्थ क्रस्ट से, जो अर्थ के अंदर हीट होती है, टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, वार्म्थ होती है, ठीक है जी। उस हीट से जो भी हम जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, या जो हम प्रोडक्टिविटी लेते हैं उस हीट से, या जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल। जियो मीन्स भू, धरा मतलब लैंड के अंदर जो एनर्जी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो जियोथर्मल एनर्जी इज द नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ, अर्थ इंटीरियर हीट ऑरिजिनेट फ्रॉम इट्स फेयरी कंसोलिडेशन ऑफ डस्ट एंड गैस ओवर 4 billion years अगो। इट इज कंटिन्यूली रिजनरेटेड बाय द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट अकर इन ऑल रॉक्स। तो कितना, ये आपको मैंने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताया, और नीचे जो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं 17 degree Celsius to 30 degree Celsius जो है, इन जो जितना नीचे हम जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे टेम्परेचर वाइज, जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे, उतना जो है टेम्परेचर जो है, या हीट जो जनरेशन है अर्थ की, वो बढ़ती चली जाएगी, और जो है बहुत सारी हम एनर्जी इसमें से निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, 4 major types ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में। देर आर 4 major types ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज़ हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशराइज्ड ब्राइन्स, हॉट ड्राई रॉक्स, मैग्मा। ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, बहुत बार आया है, कि 4 तरह के जो जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशराइज्ड ब्राइन्स, ड्राई हॉट रॉक्स एंड मैग्मा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, हमारे इंडिया में जियोथर्मल प्रोविंसेस जो हैं वो 7 total जो हैं जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं हमारी जियोथर्मल एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा, कहाँ कहाँ पे है, द हिमालयाज, सोहानास, वेस्ट कोस्ट, कैम्बे, सोन नर्मदा तापी, दैट इज़ सोनाटा, गोदावरी एंड महानदी। इन एरियाज़ में, इन प्रोविंसेस में जो जियोथर्मल एनर्जी है वो बहुत ही अधिक मात्रा में
पाई जाती है और यहाँ पे हम बहुत सारी एनर्जी और पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी के साथ। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट है जियोथर्मल एनर्जी में। सो जियोथर्मल एनर्जी एटलस ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज GSI गिव्स इंफॉर्मेशन डाटा फॉर मोर देन 300 जियोथर्मल पोटेंशियल साइट्स। दिस एटलस इज बीइंग अपडेटेड बाय GSI विद द सपोर्ट फ्रॉम MNES। तो मतलब हमारे इंडिया में मोर देन 300 प्लस जियोथर्मल पोटेंशियल साइट्स हैं और इससे प्लस भी हैं, 300 तो हैं पर इससे प्लस भी हैं। ठीक है जी। सो एप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फॉर स्मॉल स्केल पावर जनरेशन एंड थर्मल एप्लीकेशन आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जियोथर्मल एनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं जियोथर्मल एनर्जी। पोटेंशियल मीन्स फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है और ज़्यादा। पावर जनरेशन में, कुकिंग में, स्पेस हीटिंग में, यूज़ इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन एंड क्रॉप ड्राइंग में, इन सारे एरियाज़ में भी जियोथर्मल पावर जो एनर्जी जो है वो यूज़ बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में हो सकती है। सो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस इन द कंट्री। सो मैंने आपको अभी बताया था कि 300 प्लस हैं, तो अभी एग्जैक्ट फिगर आ गई है जियोथर्मल एनर्जी की जो साइट्स हैं इंडिया में, दैट इज़ 350। ये भी आप याद कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफ दीज इज़ पुगा वैली ऑफ लद्दाख। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग साइट जो है जियोथर्मल एनर्जी के हिसाब से, दैट इज़ पुगा वैली ऑफ लद्दाख। द एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट 10,000 मेगावाट। जियोथर्मल पावर यूज बाय कंट्री, इंडिया इज़ ऑन द 15th रैंक। फॉरेस्ट रिजर्व में कितने रैंक पे थी इंडिया? 10th रैंक पे। और जियोथर्मल एनर्जी के मामले में इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 15th पोजीशन में आता है। ये आपको पोजीशंस भी याद करनी चाहिए, ठीक है जी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेपर। और देर आर फॉलोइंग 6 मोस्ट प्रॉमिसिंग जियोथर्मल एनर्जी साइट्स इन इंडिया। मैंने आपको पुगा वैली बताया लद्दाख में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो है वो साइट है जियोथर्मल की। लेकिन उसके अलावा भी 6 और ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं कि 6 पूरे इंडिया में मोस्ट प्रॉमिसिंग 6 टाइप्स ऑफ जियोथर्मल साइट्स कौन कौन सी हैं। तत्तापानी इन छत्तीसगढ़, पुगा इन जम्मू एंड कश्मीर, कैम्बे गार्डन इन गुजरात, मणिकरण साहब इन हिमाचल प्रदेश, सूरज कुंड इन झारखंड, चुमातंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आप नाम थोड़ा सा अजीब है बट आपको याद करना पड़ेगा। ये 4-6 तरह की जो हैं वो जियोथर्मल एनर्जी साइट्स अवेलेबल इन इंडिया, विच आर मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस साइट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी सॉयल एनर्जी। सॉयल एनर्जी क्या? सॉयल से जो बनती है, ठीक है जी। अब सॉयल क्या है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। और इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एंडलेस वैरायटी ऑफ मिनरल्स, रेमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड रिमेन एनिमल्स, वाटर एंड एयर। मतलब सॉयल कहाँ से बनती है? मिनरल से, ठीक है जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन से, वाटर से, एयर से, ठीक है जी। सो अब डिफरेंट सॉयल की टाइप्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटराइट सॉयल, डेजर्ट सॉयल, माउंटेन सॉयल। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है सॉयल्स के ऊपर। तो एलुवियल सॉयल जो है, सबसे पहले जो है वो मोस्टली फाउंड इन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ गंगा रीजन, ठीक है जी। गंगा बेसिन के पास पास जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें जो है ये एलुवियल सॉयल पाई जाती है। एंड पूरी इंडिया में 40% जो सॉयल है दैट इज़ एलुवियल सॉयल। And it is a most fertile soil as it is formed by the sediments or fine particles brought down by the rivers. Rivers के साथ जो sediments आते हैं, ठीक है जी, fine particles आते हैं, उससे जो है ये fertile जो ये मिट्टी है वो बनती है। और इसको most fertile जो है soil बोला जाता है, alluvial soil को, ठीक है जी। Next soil जो है वो black soil आप देख रहे हैं। black soil को हम regur soil भी कहते हैं। regur इसका दूसरा नाम क्या है? REGUR, regur soil भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल पाई जाती है। एंड दीज आर द मिनरल सॉइल्स विच हैव अ ब्लैक सरफेस हॉरिजोन एंड रिच्ड विद ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है जी। सो ब्लैक सॉइल के बारे में आपको बता दिया। थर्ड नंबर पे आप रेड सॉइल देख रहे हैं। रेड सॉइल क्या है? रेड सॉइल्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम दी क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्रिस्टलाइन रॉक से जो बनती है सॉइल, दैट इज रेड सॉइल। इट डिवेलप्स इन अ वार्म टेम्परेचर, मॉइस्ट क्लाइमेट, अंडर डिडिशियस और मिक्सड फॉरेस्ट,
ठीक है जी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इट इज़ अवेलेबल इन ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन एरियाज़ में रेड सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है? इट इज़ रिच इन दी आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो लेटराइट सॉइल है उसमें आयरन और एल्यूमिनियम की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। एंड इट इज़ कॉमनली कंसिडर्ड टू हैव फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये जो पाई जाती है। इट हैज़ अ रिच आयरन ऑक्साइड कंटेंट। इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और वो कहाँ कहाँ मिलती है? लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, केरला, असम, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में लेटराइट सॉइल जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसके नेक्स्ट आती है डेजर्ट सॉइल। सो डेजर्ट सॉइल के हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान और कच्छ एरियाज़, इन गुजरात जो है वो पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल, दीज आर द थिन सैंडी रॉकी एंड जनरली ग्रे इन कलर सॉइल। इट इज़ वेरी ड्राई काइंड ऑफ अ सॉइल ड्यू टू लेस रेनफॉल और मिनिमल रेनफॉल। इट इज़ ऑल्सो इनफर्टाइल समटाइम्स, ठीक है जी। तो डेजर्ट जो सॉइल है वो इनफर्टाइल है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? माउंटेन सॉइल, मेनली फाउंड इन, जो माउंटेन सॉइल है इट इज़ मेनली फाउंड इन हिली स्लोप्स और माउंटेन्स। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय स्नो, रेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है जी। एंड इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया डिफरेंट सॉइल्स का। आगे बढ़ते हैं हम। सो सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ अ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज टुगेदर विद एयर एंड वाटर। इट इज़ अ बेसिस फॉर लाइफ ऑन द प्लैनेट। हमारी जो लाइफ है, हमारी आप कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है जी, उसमें फल, सब्जियां, जो भी हमने खाना है, अनाज है, सब कुछ सॉइल से तो उगता है। सॉइल नहीं है तो हमारा सर्वाइवल भी नहीं है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट, नॉट ओनली डज इट प्ले द मेजर पार्ट इन अलाउइंग अस टू फीड द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनिंग अ नंबर ऑफ नेचुरल साइकिल्स, देयर बाय इंश्योरिंग दैट देयर विल बी अ बेसिस फॉर लाइफ इन जनरेशंस टू कम। तो हमारी सर्वाइवल के साथ साथ जो है इट इज़ हेल्पफुल इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ एयर, वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। सो जो सॉइल है ये पांच तत्वों से बनी है, पांच कंपोनेंट से बनी है सॉइल, मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर एंड काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये पांच तत्व हैं, पांच कंपोनेंट्स हैं जिससे सॉइल बनती है। एंड सॉइल्स आर करेक्टराइज बाय मैनी प्रॉपर्टीज। इन एडिशन टू फाइव मेजर कंपोनेंट, सॉइल्स आर करेक्टराइज बाय वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। चार तरह की इसके इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं सॉइल में, ठीक है जी। चार तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, पांच तरह के तत्व हैं। और इसके अगर फंक्शंस की बात करें, बहुत सारे फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस भी इसकी यही गिनी जाती है। सॉइल सर्व एज अ मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ये बहुत जनरल है, सबको पता है, ठीक है जी। सॉइल्स मॉडिफाई द एटमॉस्फेयर बाय एमिटिंग एंड अब्जॉर्बिंग द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड लाइक। एंड थर्ड इज सॉइल प्रोवाइड्स अ सूटेबल हैबिटेट फॉर एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल, ठीक है जी। जो बैक्टीरियाज है, फंगई है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, कुछ भी है जो सॉइल के अंदर होती है, उनको भी ये सॉइल उनके लिए हैबिटेट है। सॉइल अब्सॉर्ब, होल्ड, रिलीज, अल्टर एंड प्योरीफाई मोस्ट ऑफ द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एंड स्नो मेल्ट ऑन लैंड। सॉइल प्रोसेस रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बन सो दैट लिविंग थिंग्स कैन यूज देम ओवर एंड ओवर अगेन। एंड सॉइल सर्व एज अ इंजीनियरिंग मीडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशंस, रोड बेड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ ह्यूमन यूज। एंड लास्ट इज सॉइल एक्ट्स एज अ लिविंग फिल्टर टू क्लीन वाटर बिफोर इट मूव्स इनटू अन एक्विफायर, राइट। सो ये सारी बहुत जनरल टर्म्स मैंने बहुत जनरली, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया और लिखा भी हुआ है। इसको समझाने वाली कोई बात नहीं कि सॉइल क्या क्या, उसके फंक्शंस हैं क्या, इसकी इंपॉर्टेंस है। सो ये स्क्रीन के ऊपर आपने देख भी ली, मैंने पढ़ भी दी। अब क्या है? सॉइल एनर्जी जो है यहाँ पे हमने डिटेल में कर ली। अब नेक्स्ट एनर्जी की तरफ मूव होते हैं, दैट इज़ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी हमने कई बार सुना होता है, बायोमास, बायो फ्यूल या बायो प्रोटीन और बायोगैस, बहुत सारे टर्म सुनी होती है, लेकिन एग्जैक्टली बायोमास है क्या? सो द डेड प्लांट्स ऑफ द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बायोमास। बायोमास होता क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल हैं या डेड या डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स हैं
हैं जो बच जाते हैं उनसे सबको मिला के जो है वो बायोमास बनता है। बायोमास इज़ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ यूज एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। बायोमास इंक्लूड्स वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड काउडंग्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, काउडंग हो गया, चारकोल हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, वुड हो गया, एनिमल्स एंड ट्रीज रिमेन्स हो गए, ठीक है जी। ये सारे बायोमास के एग्जांपल्स हैं। और बायोमास इज अनदर फॉर्म इन विच सोलर एनर्जी मैनिफेस्ट इटसेल्फ। दिस इज बिकॉज ऑल द प्लांट्स ट्रीज विच प्रोवाइड बायोमास यूज सन्स एनर्जी टू ग्रो। इवन द एनिमल वेस्ट जस्ट लाइक काउडंग आर गिवन बाय कैटल हु ग्रो बाय कंज्यूमिंग प्लांट फूड मेड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। सो सिंस द फ्यूल लाइक वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड काउडंग आर ऑल प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, सो दे आर कॉल्ड बायोमास और बायोफ्यूल्स, बिकॉज हम उसको फ्यूल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बायोमास इज़ द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स विच कैन बी प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। हम रीन्यूएबल क्या है, जो बार बार एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, बार बार रीजनरेट और नई बनती रहती है। तो ये बायोमास है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बना है, तो ये रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये बार बार बनती रहती है और ये सनलाइट के साथ कलेबरेट होके और ग्रो करती है बायोमास एनर्जी। और इसको बायोफ्यूल्स भी कहते हैं बिकॉज बायोमास जो है एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। अब क्या है, सो इन इंडिया, अब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया इज़ एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर बायोमास प्रोडक्शन गिवन इट्स ट्रॉपिकल लोकेशन एंड अबंडेंट सनशाइन एंड रेन्स। द कंट्रीज वास्ट एग्रीकल्चर पोटेंशियल प्रोवाइड्स ह्यूज एग्रो residues which can be used to meet energy needs both in heat and power application according to IREDA. Biomass is capable of supplementing the coal to the tune of about 260 million tons, saving of about 250 बिलियन एवरी ईयर। मतलब कि इसकी कोल की जगह पे, जो कोल है, कोयला है, उसकी जगह पे जो बायोमास एनर्जी है हम रिप्लेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसको करने से हमारी जो कॉस्ट सेविंग हो जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 250 बिलियन एवरी ईयर हम अपनी जो है कॉस्ट बचा सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये एक फ़ायदा है बायोमास का, बिकॉज वो नेचुरल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको यूज़ कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार जो है एज अ फ्यूल जो इसको प्रोडक्टिविटी में लेके आ सकते हैं। और अब बायोमास की जो एनर्जी है ये चार अलग अलग आप कह सकते हैं उसकी टाइप्स हो सकती हैं। बायोमास कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले बायोगैस जनरेट करने के लिए बायोमास एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं। सो इंडिया हैज़ अ टारगेट टू प्रोड्यूस 15 मिलियन टन्स ऑफ बायोगैस BioCNG बाय इंस्टॉलिंग 5,000 लार्ज स्केल कमर्शियल टाइप बायोगैस प्लांट्स विच कैन बी प्रोड्यूस डेली 12.5 टन्स ऑफ बायो CNG बाय ईच प्लांट। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया ने एक टारगेट लिया हुआ है, इतनी हमने बायोमास एनर्जी जो है बायोगैस एनर्जी CNG जो है प्रोड्यूस करनी है लार्ज स्केल के ऊपर, 5,000 लार्ज स्केल कमर्शियल टाइप्स जो है बायो गैस प्लांट्स को इंस्टॉल करने के बाद। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि बायो गैस जो है ये नेचुरली जो है प्रोड्यूस हो सकती है बायो मास एनर्जी से, तो इससे जो है इंडिया बहुत ही फ़ायदे में रह सकता है। और नेक्स्ट क्या है, बायोगैस हमने अभी पढ़ा, और बायोफ्यूल, अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोमास एनर्जी है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जो 99.9% जो यूज़ होता है दैट इज़ इथेनॉल। बायोफ्यूल में इथेनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में लाया जाता है। एंड इथेनॉल मार्केट पेनिट्रेट्स रीच इट्स हाइएस्ट फिगर ऑफ 3.3% ब्लेंड रेट इन इंडिया इन 2016। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन molasses and partly from grains and can be blended with gasoline. कैसे produce होती है, sugar cane plus grains and these are blended with the gasoline, ठीक है जी। so ये इसका method है ethanol बनाने का, और ethanol जो है वो बहुत ज़्यादा highest figure है, 3.3% जो है वो blended with India का, और ethanol में वो बना रही है और use भी कर रही है as a measure of fuel you can say. next क्या है, बायोप्रोटीन, थर्ड टाइप ऑफ जो एनर्जी है बायोमास की बायोप्रोटीन है। सो सिंथेटिक मीथेन जिसको हम SNG बोलते हैं, ठीक है जी, साइंटिफिकली जो उसका कोड है SNG बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मीथेन, जनरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कार्बन न्यूट्रल रिन्यूएबल पावर टू और बायो CNG कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोटीन रिच फीड फॉर कैटल पोल्ट्री एंड फिश इकोनॉमिकली बाय कल्टिवेटिंग माइथोलोकस कैप्सुलेट्स बैक्टीरिया कल्चर विद टाइनी लैंड एंड वाटर फुटप्रिंट।
ये क्या है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स है, बायोप्रोटीन का एक नया कंसेप्ट है। प्रोटीन आपने सुना होगा, बायोप्रोटीन अभी सुनने में आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि बायोलॉजिकली हम मतलब नेचुरली जो प्रोटीन बना रहे हैं बायोमास से उसको बायोप्रोटीन कहते हैं, और बायोप्रोटीन जो है बनाने के बाद हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री फीडिंग के लिए, कैटल फीडिंग के लिए, ठीक है जी, बायोप्रोटीन को खाने के लिए दे सकते हैं कैटल को, ठीक है, पशुओं को, लाइफ स्टॉक को, प्लस जो है उनको जो है फिशरीज़ में, फिशेज़ को भी फीड करने में, ये सारे जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसको फीड करने में बायोप्रोटीन जो है वो यूज़फुल होता है, और अगर वो अच्छे से फीड होंगे हमारे लाइफ स्टॉक और वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं हमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, बायोडीजल। अब आपने डीजल सुना होगा, सिंपली बायोडीजल इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू नो फॉर एवरी वन हेयर। सो बायोडीजल क्या है, द मार्केट फॉर बायोडीजल रिमेन्स एट अर्ली स्टेज इन इंडिया विद द कंट्री अचीविंग अ मिनिमल ब्लेंड रेट विद डीजल of 0.001% in 2016. Initially, development was focused on the Jatropha plant as a most suitable in edible oil seed for biodiesel production. Development of biodiesel from Jatropha has met a number of agronomic and economic restraints, and attention is now moving towards another feedstock technologies which utilize used cooking oils, other unusual oil fractions, animal fat and inedible oils. Biodiesel, आपने सिंपल डीजल सुना होगा, तो बायोडीजल कैसे बनता है, एक प्लांट है दैट इज नोन एज जेट्रोफा, उससे उसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट होनी शुरू हुई बायोडीजल की, और यहाँ पे क्या है, जेट्रोफा से बहुत तरह की जो चीज़ें मतलब इसको साथ में किसके साथ ब्लेंड करना पड़ता है, जेट्रोफा को कुकिंग ऑयल के साथ, अनयूजुअल ऑयल फ्रैक्शंस के साथ, एनिमल फैट और इन एडिबल ऑयल्स के साथ मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल जो है जनरेट होता है, और ये एज अ डीजल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो क्या क्या किया हमने, बायोमास में बायोगैस किया, बायोफ्यूल किया दैट इज़ इथेनॉल, बायोप्रोटीन किया और बायोडीजल किया। ये क्यों मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 10 ईयर्स आप पेपर उठा के देखिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में, ये बहुत साइंटिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं, और आपको ध्यान से डिटेल में आपको करा रही हूँ, ठीक है जी। सो लास्ट में हमारा क्या आ गया, बायो मास हमने एनर्जी डिटेल में पढ़ लिया, लास्ट में हमारा आ गया न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी सो इसको हम एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव एनर्जी भी कहते हैं। क्या क्या नाम है न्यूक्लियर एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी एज वेल एज रेडियो एक्टिव एनर्जी, दैट इज रिलीज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन प्रोसेसेस दैट अफेक्ट एटॉमिक न्यूक्लियाई द डेंस कोर्स ऑफ एटम्स। कहाँ से बनती है, कैसे ये बनती है, एटम से। सो डेंस एटम्स के अमाउंट्स को जब हम कलेबरेट कर लेते हैं, एटम्स से जो है एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ अदर एटॉमिक फिनोमेना सच एज ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स ओनली द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये ऑर्डिनरी एटम्स से डिफरेंट होती है, या ऑर्डिनरी मैकेनिकल रिएक्शन से डिफरेंट होती है। ये बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत डिजास्ट्रस लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसमें जो है वो बहुत पोटेंशियल होता है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है जी। बड़े बड़े एटम बम्स और जो न्यूक्लियर एमिशन वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उसमें जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन एटम बाय द फोर्सेस दैट होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है जी। एटम्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी को। साइंटिस्ट हैव लर्नड हाउ टू कैप्चर लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज फोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड एज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ही हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं साइंटिफिकली, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, ठीक है जी। सो ये पॉजिटिव मैनर में होगा, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी वेपन्स बनाने में जो है वो यूज़ करेंगे, या जो है हानिकारक या बहुत हार्मफुल एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वही न्यूक्लियर एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, पावर बनाने में यूज़ करेंगे तो बहुत ही हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। सो न्यूक्लियर पावर इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। ये आप याद करिएगा, इस स्टैटिस्टिक्स में आपको फिर से बता रही हूँ, फैक्चुअल डाटा है ये, जो डाटा है ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फैक्चुअल हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करने, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है कि न्यूक्लियर पावर इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। एज ऑफ मार्च 2018 इंडिया हैज़ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैविंग अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 MW। न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 35 TWh एंड सप्लाइड 3.22% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इन 2017। 7 मोर रिएक्टर्स
आर अंडर कंस्ट्रक्शन विद अ कंबाइंड जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 4300 मेगावाट्स। सो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि इंडिया में क्या है। एंड इंडिया हैज़ लार्जली इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है इंडिया में चल रहे हैं इंडिजीनियस लेवल के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू ग्रोइंग इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एज पार्ट ऑफ इट्स मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रही है। ठीक है जी, अपने आप को जो आर्मी, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे सशक्त कर रही है, अपनी पावर को बढ़ा रही है, ताकि कल को कोई अटैक करे, कोई भी कंट्री हमारे इंडिया पे अटैक करे, चाहे वो कोई भी हो, तो उस हमारे पास भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स हो, एक्सप्लोजिव्स हो और न्यूक्लियर पावर हो हमारे पास। ठीक है जी, सो दैट गवर्नमेंट हैज़ सेट एम्बिशियस टारगेट्स टू ग्रो न्यूक्लियर कैपेसिटी। एट द स्टार्ट ऑफ 2018 सिक्स रिएक्टर्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 4.4 गीगावाट। ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे कि इंडिया के पास क्या क्या है, कितने में वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। ये भी आपको याद करना है। एंड उसके बाद लास्ट में आप देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मैं इसको थोड़ा सा एनहांस कर देती हूँ। सो नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, मैं आपको वन बाय वन पढ़ के बता देती हूँ, ये भी आपको नाम भी आने चाहिए। ठीक है जी, कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट का पावर प्लांट का नाम पता होने चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्ट अगर आए पावर प्लांट्स के ऊपर तो आप आंसर कर पाओ। सो नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है जी, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कायगा जनरेटिंग जनरेटिंग स्टेशन एंड मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के जो हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया जो हैं वो हैं, पूरे इंडिया में साइट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। सो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सॉयल है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, न्यूक्लियर है, फॉरेस्ट है एंड बायोमास है, ये सारे 8 के 8 मैंने आपको डिटेल में, मतलब पूरे डिटेल में समझा दी एज़ पर द पेपर्स परस्पेक्टिव। और यहीं तक जो है हमारी वीडियो आज की जो है मैंने आपको पूरा बता दिया। और जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, लाइक करें वीडियो को। यह पार्ट सेकंड जो है वो फुल फ्लेज टॉपिक हमारा हो चुका है, कौन सा, यही वाला जो आपको मैं अभी करवाया, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है जी, पार्ट वन कल कराया था, पार्ट टू मैंने आज करा दिया, ये सब टॉपिक जो है वो फुल फ्लेज कवर हो गया। इससे पहले जितने भी सब टॉपिक्स हैं क्रोनोलॉजिकली पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सारे मैं करा चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक लेके आऊँगी, इससे अगला वाला लेके आऊँगी एज पर द सिलेबस। तो सिलेबस के वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है आपका। ठीक है जी, और मैं आपको और अनाउंसमेंट कर दूं, इस चैनल के ऊपर यूजीसी पेपर 1 में मैंने 5 यूनिट्स फुल फ्लेज कंप्लीट करा दिए हैं। आपको बता देती हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लेज 100% फुल फ्लेज जो है कंप्लीट हो चुका है एज़ पर द सिलेबस। ठीक है जी, टीचिंग एप्टीट्यूड एज़ पर द करंट सिलेबस हो चुका है टोटल, कम्युनिकेशन टोटल हो चुका है एज़ पर द सिलेबस, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है एज़ पर द सिलेबस टोटल 100% हो चुका है, और जो है हायर एजुकेशन वो भी 100% एज़ पर द सिलेबस हो चुका है UGC के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और छठा यूनिट जो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, वो मैं एज़ पर द सिलेबस सिक्वेंशली क्रोनोलॉजिकल वाइज जो है सिलेबस वाइज करा रही हूँ। ठीक है जी, वन बाय वन सारे टॉपिक्स क्लियर करा रही हूँ, और इसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट शुरू कर लेंगे। तो ये जो चैनल है, दिस इज़ अ कम्प्लीट एजुकेशनल हब ऑफ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीट कोर्सेज एंड कम्प्लीट एजुकेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है जी, इस चैनल के ऊपर UGC नेट पेपर 2 ज्योग्राफी भी चल रहा है क्रोनोलॉजिकल मैनर में, इस चैनल के ऊपर UGC पेपर 2 हिंदी भी चल रहा है, और सीटेट पीटेट NVS KVS की सोशल साइंस की सीरीज भी चल रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और ये सारा कुछ एक मात्र ऐसा चैनल है देश का, हमारे भारत का एक मात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको कोई भी कोर्स अगर हम करा रहे हैं तो वो फुल फ्लेज करा रहे हैं, ऐसा मतलब बीच बीच में नहीं करा रहे, रैंडम नहीं करा रहे, हम आपको एज़ पर द सिलेबस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 100% जो है कंप्लीट करा रहे हैं। सो अब नेक्स्ट जो है वो वीडियो मैं लेके आऊँगी, नेक्स्ट सब टॉपिक का, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की नेक्स्ट सब टॉपिक की वीडियो लेके आऊँगी। स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय फॉर नाउ।